में विद्यार्थियों, आज के क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत करता हूं। कारण कि आप सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं और आप लोग सही सलामत अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो आइए आज मैथ की क्लास में फिगर से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम लिए हैं और ऐसी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन एक रहते हैं एग्जाम में, या फिर जो कंपटेटिव लड़के होते हैं पॉलिटेक्निक का, उन सारे विद्यार्थियों को भी इस तरह का एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आइए हम जो आज क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे पहला समझिएगा। ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको चैप्टर्स में मिलेंगे, या एनसीईआरटी है, भारतीय भवन है, या केसी सिन्हा है, चाहे किसी बुक में आप देखिएगा बहुत सारा फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहां से देखा जाए मतलब है, खास करके जो पहला जो भाग दिख रहे हैं क्वेश्चन देखे, दो संकेंद्रीय वृत्त हम लिए हैं और दो संकेंद्रीय वृत्त में देखा जाए इतना पार्ट्स को हम रंग दिए हैं, यानी जिसको छायांकित भाग कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? छायांकित भाग कर रहे हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहता हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इस पर जरा गौर करेंगे। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसके पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। समझिए कि इस तरह का फिगर अगले दिन हमने बताए थे कि वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र को त्रिजखंड कहा जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा त्रिजखंड बड़ी वृत्त के लिए बना है, एक छोटा सा त्रिजखंड छोटा वृत्त के लिए बना है, यानी दो त्रिजखंड है कि नहीं है? एक बड़ी वृत्त के लिए है और एक छोटे वृत्त के लिए है। लेकिन जो हमने रंगे हैं वह खास करके बलय वाला भाग रंगे हैं। बात समझ सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब देखा जाए, कहता बड़ी वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर जो है वह 14 सीएम है। बड़ी वृत्त की त्रिज्या जो है ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है। छोटी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बड़ा वृत्त का त्रिज्या है 14 और छोटा वृत्त का त्रिज्या है 7। बात समझिएगा, ये छोटा वृत्त है और ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है, तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर जनरली मानते हैं आप लोग। अब कहता है कि तब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक हो गया बड़ी त्रिजखंड हो गया और एक हो गया छोटा त्रिजखंड हो गया। अब वही लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखे त्रिजखंड का फॉर्मूला मारे हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और फिर छोटका के लिए मारे हैं थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखे पाई थीटा 360 और पाई थीटा 360 देखिए यहां पर कॉमन हो गया है, तब बाकी यहां बच गया आर स्क्वायर और माइनस यहां बच गया आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने तोड़ दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आइए, तो पाई का मान अभी छोड़ दिए है, थीटा देखे केंद्रीय कोण 40 डिग्री है, तो यहां 40 रख दिया बटा 360। कैपिटल त्रिज्या जो है आपका देखिए 14 है, स्मॉल आर यानी 7 है, तो 14 प्लस 7 14 माइनस 7 हो गया,
पाई को अभी भी छोड़ दिए हैं। पाई तोड़ने का मतलब है कि आप बिना मतलब के उलझ जाते हैं, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 40 से 360 काट दिया, 9 चौका 36, पाई बटा 9 हो गया, 14 सात 21 हुआ, 14 में 7 गया 7 हो गया। अब आगे आइए जी, यहाँ पाई को लास्ट कर रहे हैं तोड़ रहे हैं, तो पाई के जगह 22 बटा 7 रख दिया, बटे में 9 था, 21 गुना 7, 7 से 7 काट दिए, और यहाँ देखिए 3 3 9 देख रहे हैं ना, 3 से काटे इसको, 3 3 9 21, अब 22 में 7 से गुना किया तो 154 बटे 3 हो गया, और दशमलव के रूप में बदलते हैं तो 51.33 मतलब 3 5 15 हो गया, 3 1 3 बाकी 1 बच गया, तो 3 3 9 फिर 1 बच जाएगा, 3 3 9 मतलब लगभग आ जाए 51.3 हो गया, 3 3 इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया। बात समझ गए, किसी को प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं? आइए आइए सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिए हैं, एक चतुर्थांश दिया हुआ है, ठीक है, क्या है जी, एक चतुर्थांश है, और एक चतुर्थांश के अंदर में देखिए एक वर्ग बना दिया है, क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, किसके भीतर, चतुर्थांश के भीतर बना दिया, कौन सी बना दिया, एक वर्ग बना दिया, और क्या किया, वर्ग का एक भुजा भी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए रंग दिया है, यहाँ पर रंग दिया है मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ रहे ना सब लड़के, अब यहाँ पर देखिए सभी लड़के कि यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, प्रश्न में लिख चुका है कि ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है, क्या है, चतुर्थांश है, ओ पी बी क्यू इतना पूरा चतुर्थांश है, और इसी के अंदर में ओ ए बी सी एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कहता है कि चतुर्थांश में जो भाग रंग दिए हैं उसी का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो अब समझिएगा, तो एक तुम्हारा एक वर्ग है और इसका एक भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर यहां से यहां मिला देते हैं तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, अब वर्ग का विकर्ण होगा, अब बताओ ये चतुर्थांश के लिए ये बताओ त्रिज्या का काम कर जाएगा ना, कौन सी काम कर जाएगा, त्रिज्या का, यानी ओ बी ये बताओ त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एक त्रिज्या हो गया, तब पहले इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए फट से, मतलब वर्ग का विकर्ण जो हुआ वह समझिए कि आपका चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ पर लिखे हैं कि वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का विकर्ण ओ बी हो गया, कौन हो गया, ओ बी, तब वर्ग का विकर्ण बराबर, फॉर्मूला बोलिए जी, बोलो उस साइड के बच्चे लोग, आप लोग सही है, सही सलामत, तब बताइए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट टू इनटू भुजा, अब भुजा दिया है 20, तैयार रख दिया 20, अब बोलेगा तो ये कौन सी का काम कर गया, चतुर्थांश की त्रिज्या, तो चतुर्थांश की त्रिज्या हो गया आर 20 रूट 2 सेंटीमीटर, वो दिक्कत है, तो ये निकल गया तुम्हारा चतुर्थांश का त्रिज्या और वर्ग का विकर्ण, आप देखिएगा जी, तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब बताओ पूरा चतुर्थांश है ऐसी के अंदर में घुसल है कौन, वर्ग, तो जब भी देखिए फिगर वाला मैथ बनाते हैं त्या कुछ है नहीं, जोड़े घटाव करना है, कभी हम घटा देते हैं तो कभी जोड़ देते हैं, अब यहाँ चतुर्थांश में से वर्ग को हटा लेते हो तो बाकी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, बोलिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हो
गया तुम्हारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब माइनस हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाए एक बटा चार पाई आर स्क्वायर, अब वर्ग का क्षेत्रफल लिखे हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो एक बटा चार पाई को रह दिए जो कहते हूँ, त्रिज्या आया है बीस रूट टू, तो यहाँ बीस रूट टू रख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, माइनस है भुजा स्क्वायर, भुजा है बीस, तो बीस का स्क्वायर कर दिए। आइए यहाँ अब एक बटा चार है और गुना है पाई, अब इसको स्क्वायर किया तो बीस में बीस से गुना तो हो गया चार सौ, और रूट टू में रूट टू से गुना किया तो हो गया दो, अब माइनस हो गया 20 में 20 से, तब वो हो गया कितना आपका 400, कितना हो गया जी 20 में 20 से किया तो 400। अब बोलूं 400 यहाँ भी है, 400 यहाँ कॉमन ले लिया, आई दो से इसको काट दिया तो दो दुना चार, तो एक बटा दो हो गया, कितना हो गया जी एक बटा दो, और गुना बाई का मान तोड़ दिए 22 बटा सात, और 400 बाहर निकल गया तो हो गया एक। अब दो से देखिए काट देती 11 दूना 22, मतलब 400 हो गया, 11 बटा हो गया 7 माइनस 1, लघुत्तम में आ गया 7, तो 7 से 7 कट गया, 11 उतार दिया, 7 में 1 से गुना किया 7 हो गया, तो 400 गुना 4 बटा 7, तो चार चौका 1600, 1600 बटे 7, अगर 1600 में 7 से भागा देते हैं तो 228 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम पॉइंट को छोड़ दिया, लगभग 228 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह की मैथ जब मैंने आपको खास करके फिगर वाला जो मैथ रहे, तो उस मैथ में यही सोचिएगा कि किसमें से किसको घटा दें या कितना कितना जोड़ के कितना घटा लें। अगर इस तरह का दिमाग रखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मैथ बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बात समझे सब लड़के? तो इस तरह का और भी क्वेश्चन है चैप्टर में, आप लोग बनाइएगा, फिर न बनेंगे फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन वैसा दीजिएगा उसको देखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? तो चलिए क्लास को स्टॉप करते हैं, सभी बच्चों को गुड नाइट, धन्यवाद।